अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आम आदमी पार्टी के निशाने पर योगी सरकार। आप नेता संजय सिंह ने योगी को लिया आड़े हाथ। सरकार की नीतियों पर जमकर किया प्रहार। संजय ने 1 करोड़ रोजगार पर उठाए सवाल। सरकार पर लगाया लोगों को धोखा देने का आरोप। उत्तर प्रदेश में भले ही अभी चुनावों में वक्त है, लेकिन सियासी बढ़त हासिल करने का दौर अभी से चल रहा है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी कतार में शामिल है और दिल्ली के आप नेता प्रदेश की योगी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाकर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कई मामलों पर धज्जियां उड़ा दी हैं। सरकार की एक एक योजना और दावे का पोस्टमार्टम करते हुए संजय सिंह ने कई खुलासे किए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोजगार, मनरेगा, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। संजय सिंह ने योगी सरकार के 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को मनरेगा के तहत औसतन मात्र 52 दिन काम दिया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 42 दिन लोगों को काम मिला। आप नेता का कहना था कि इस हिसाब से योगी सरकार ने एक परिवार को एक साल में मात्र 8,442 रुपए ही दिए। योगी आदित्यनाथ सरकार रोजगार देने के नाम पर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा और मजाक कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राज्य में ना तो कोई फैक्ट्री लगाई और ना ही रोजगार के कोई दूसरे अवसर पैदा किए। इसके बावजूद योगी सरकार कह रही है कि 1 करोड़ नए रोजगार दिए जा रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने तमाम भर्तियों में बेरोजगारों से फॉर्म भरवाने के नाम पर बेरोजगारों से करोड़ों रुपए वसूल लिए, लेकिन परीक्षा के बाद परिणाम नहीं आया और कुछ नतीजे आए भी तो वे अदालत में लटक गए। संजय सिंह ने कहा कि कानपुर बाल संरक्षण गृह में कोविड-19 संक्रमित पाई गई 57 में से 7 बच्चियां गर्भवती हो गईं। संजय सिंह ने सवाल किया कि आखिर वो दरिंदे कौन हैं जिनकी वजह से बच्चियां गर्भवती हुईं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचा रही है। सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन बेतुकी बयानबाजी कर मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। आम आदमी प्रवक्ता ने कहा कि चीन को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार को चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए चीन से व्यापार बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा देश चाहता है कि सैनिकों की शहादत व्यर्थ न जाए, मोदी सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब दे। संजय सिंह ने 59 चाइनीज ऐप के बंद होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐप को सिर्फ बैन किया गया है, ब्लॉक नहीं किया गया। जो पहले से ऐप चला रहे हैं वो चलाते रहेंगे, सिर्फ प्ले स्टोर से नए यूजर इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। संजय सिंह ने और भी कई मुद्दों पर योगी सरकार और मोदी सरकार को जमकर घेरा और जमकर लताड़ लगाई। योगी सरकार पर आरोपों के सहारे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है और 2022 चुनावों में अपना खाता खोलना चाहती है। कितनी कामयाबी मिलेगी आम आदमी पार्टी को वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी बीजेपी को जमकर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।